सो गाइस, आज की शुरू में हम करने वाले हैं कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग। जैसे कि आप यहां देख सकते हो गाइस, काफ़ी कूल एंड फुल HD क्वालिटी लग रहा है। तो गाइस, इस प्रकार का एडिटिंग कैसे करना है आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो गाइस, अगर आप भी कुछ अपनी फ़ोटो कुछ इस तरह की एडिटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक। वीडियो को ज़रा से भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा पूरा देखना, तभी जो है आप समझ पाओगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना। तो गाइस, इस तरह की एडिटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करके इस वाले बैकग्राउंड को ऐड कर लेना। गाइस, इस बैकग्राउंड का लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर डाउनलोड कर लेना। तो सिंपली बैकग्राउंड ऐड करने के बाद क्या करेंगे गाइस, ऐड फोटो को प्रेस करके मॉडल PNG ऐड कर लेंगे। गाइस, इसका बैकग्राउंड मैंने पहले से इरेज कर रखा है, अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो उसके लिए मैं वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। और गाइस, मैंने इसका हेयर भी एडिट किया है, अगर आपको हेयर एडिटिंग पर भी ट्यूटोरियल चाहिए तो मैंने भी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी देख लेना। एंड गाइस, फेस स्मूथ करना भी आपको नहीं आता तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो सारे वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना, पहले इस वीडियो को देख लो। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो है आपको इसको पोजिशन करके बैठा लेना है कुछ इस जगह यहाँ नीचे में। एक सेकेंड गाइस, इसको थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ हल्का। एंड गाइस, यहाँ नीचे करके बिठा देना है। एंड गाइस, सिंपली कर देंगे ऊपर से डन। एंड गाइस, डन करने के बाद क्या कर लेंगे, सिंपली चलेंगे अगेन ऐड फोटो के अंदर एंड इस वाले कलर PNG को ऐड कर लेंगे और कुछ इस तरह से यहाँ पर बड़ा करके इस जगह पे सेट कर लेंगे। एंड गाइस, इरेजर पे क्लिक करके इसका कैपेसिटी एंड हार्डनेस को डाउन कर लेंगे और कुछ इस तरह से यहाँ से इरेज कर देंगे इसको। इरेज करने के बाद गाइस, काफ़ी कूल लग रहा है तो इतना करके थोड़ा सा इधर का भी इरेज करता हूँ। एंड गाइस, यहाँ से करता हूँ डन। डन करके गाइस, अगेन डन करते हैं। एंड गाइस, इतना करने के बाद क्या करना है, अगेन ऐड फोटो के अंदर चले जाना है आपको। एंड गाइस, इस वाले टेक्स्ट PNG को ऐड करके सिंपली चले जाना है ब्लेंड में एंड इसको मल्टीप्लाई करके कुछ इस प्रकार से जो है आपको यहाँ ऊपर लगा लेना है। तो इतना करने के बाद सिंपली कर देंगे डन। डन करने के बाद क्या करेंगे गाइस, अगेन ऐड फोटो के अंदर जाके इस वाले को दोबारा ऐड कर लेंगे एंड इसको क्रॉप कर लेंगे, करीबन इतना कलर हमको ले लेना है एंड डन कर देंगे। डन करने के बाद क्या करेंगे गाइस, कुछ इस प्रकार से यहाँ नीचे पे लगा लेंगे। एंड गाइस, नीचे लगाने के बाद क्या करेंगे, सिंपली जो है यहाँ से चले जाएंगे, कैपेसिटी हल्का इसका डाउन कर देंगे। एंड गाइस, कर देंगे डन। डन करने के बाद गाइस, काफ़ी कूल लगा, जैसे देख सकते हो, सिंपली टूल्स में जाके एडजस्ट में चले जाएंगे। एंड गाइस, इसका ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे एंड इरेजर पे क्लिक करके इस वाले आइकन पे क्लिक करके इसका जो है कैपेसिटी एंड हार्डनेस को डाउन करके इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे। एंड गाइस, कुछ इस प्रकार से जो है आपको फोटो पे लाइटिंग दे देना है, जैसे कि मैं दे रहा हूँ, इससे जो है कमाल का लुक आता है फोटो में, तो ऐसा लाइटिंग आपको जरूर दे देना है। एंड गाइस, लाइटिंग देने के बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा घटा के देख लेता हूँ जितना मैं रखना चाहूँगा फोटो के मुताबिक। एंड गाइस, इतना करके सिंपली इसमें कर दूँगा डन। डन करने के बाद गाइस, पिक्सआर्ट का अपना सारा काम हो चुका है, तो चलेंगे ड्रॉ टूल के अंदर। एंड गाइस, ड्रो टूल के अंदर आने के बाद यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ से सेव इमेज करके इस फोटो कर लेंगे सेव। इसके बाद जो है लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करके क्या करेंगे, इस यहाँ से ऐड फोटोज पे क्लिक करके फोटो को यहाँ से ऐड कर लेंगे। गाइस, लाइटरूम एप्लीकेशन में थोड़ा कलर रिटचिंग करेंगे तो इसे जो है फोटो में कमाल का रियलिस्टिक लुक आएगा। ठीक है, तो ये स्टेप आपको जरूर करना है। तो सिंपली चलते हैं लाइट वाले टूल के अंदर, इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा के हाईलाइट को थोड़ा कम कर देंगे यहाँ से ये वाला को। एंड गाइस, शेडोज को बढ़ा लेंगे और वाइटनेस को बढ़ा के ब्लैक को थोड़ा सा कम कर देंगे। एंड गाइस, चले जाएंगे नीचे वाले टूल के अंदर और इसका वाइब्रेशन थोड़ा बढ़ा देंगे। एंड गाइस, यहाँ से इस वाले ऑप्शन के ऊपर चले जाएंगे एंड इसका क्लैरिटी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इतना करने के बाद चलेंगे इस वाले ऑप्शन के ऊपर, यहाँ देख सकते हो नीचे पे ये वाला। एंड गाइस, इसका सर्फिंग को बढ़ा लेंगे, सर्फिंग बढ़ाने के बाद नॉइज रिडक्शन को बढ़ा लेंगे। तो गाइस, देख सकते हो हमारा फोटो जो है रेडी हो चुका है, काफ़ी कूल एंड ऑसम लग रहा है, जैसे गाइस फुल HD क्वालिटी लग रहा है। तो इतना करने के बाद क्या करेंगे, सिंपली ऊपर यहाँ शेयर वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ सेव टू डिवाइस पे क्लिक करके इस फोटो को करता हूँ सेव। गाइस, ऐसा करता हूँ, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा ही फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और हाँ गाइस, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना यार, बहुत ही कम फॉलोवर्स है। और हाँ गाइस, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।